रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो इस पे अगेन। आता है रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी ऑफ ड्रिफ्ट एंड इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करेगा तो करंट जनरेट होगा, और जो उसमें करंट होगा उसकी वैल्यू क्या होगी ये बताओ, और ड्रिफ्ट के साथ उसका रिलेशन बताओ क्या होगा। डायग्राम आपने चेंज नहीं करना, डायग्राम आपने यही बनाना है। अब ध्यान से देखना, इस डायग्राम में इस कंडक्टर की लेंथ कितनी है, एल। क्रॉस सेक्शन एरिया इमेजिन कर लो कितना है, ए। वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर क्या होगी, एरिया इंटू लेंथ, ए इंटू एल। क्या ये पॉइंट क्लियर है? नेक्स्ट है, मान लें इसे अंडरलाइन करें, एन, छोटा एन का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। छोटा एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है। तो स्मॉल एन का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है, इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी बोली जाती है। ठीक, अब ये बताओ, अगर एक इलेक्ट्रॉन इमेजिन करो यहां से स्टार्ट होके एल डिस्टेंस कवर करता है, एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आता है एल डिस्टेंस कवर करता है, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो एस इज इक्वल टू वी टी कैन बी अप्लाई। तो डिस्टेंस कितना कवर किया उसने एल, कितनी वेलोसिटी के साथ कवर किया वी डी, और कितने समय में किया टी समय में कवर कर दिया। ये टक्कर होने का टाइम नहीं है, ये पूरे रास्ते का टाइम है। अगर एक इलेक्ट्रॉन सीधा चलता एल डिस्टेंस में उसने इतना समय लगाना था। अब वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर क्या है, एरिया इंटू लेंथ। इस लेंथ को यहां से उठा के यहां पे पुट कर दिया तो वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर क्या आ गया, एरिया इंटू लेंथ की जगह एरिया इंटू वी डी इंटू टी, तो क्या आ गया वॉल्यूम ऑफ अ कंडक्टर। कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट है, अब इतने वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं वो निकाल लेते हैं। इसके लिए एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम को पूरे वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ गए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो एन का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है, को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई किया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब इतने इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है ई, तो इन इलेक्ट्रॉन्स पे कितना चार्ज है, इन इलेक्ट्रॉन्स को मल्टीप्लाई करें ई के साथ, तो चार्ज आ गया क्यू, तो टोटल चार्ज इतना फ्लो कर गया। टाइम को इसके नीचे ले आए, चार्ज अपॉन टाइम क्या होता है करंट, और यहां से वी डी एक तरफ बाकी टर्म्स एक तरफ, वी डी इज इक्वल टू आई बाय एन ए, फॉर्मूला आ गया। रिपीट है, सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गया, एस इज इक्वल टू वी टी में लेंथ कितनी कवर की वी डी इंटू टी, वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर एरिया इंटू लेंथ में लेंथ को पुट कर दिया, एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम को टोटल वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज ई है तो इतने इलेक्ट्रॉन पे ई टाइम चार्ज है, चार्ज आ गया, चार्ज को टाइम से डिवाइड कर लिया तो क्या आ गया करंट आ गया। वी डी इज आई बाई एन ए, ये फॉर्मूला फॉर्मूला रजिस्टर में एंटर करो, इंपॉर्टेंट है बहुत। वेलोसिटी ऑफ ड्रिफ्ट और करंट का फॉर्मूला वी डी इज इक्वल टू आई बाई एन ए, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का की जो वैल्यू है अप्रॉक्सीमेटली 10^-5 से 10^-6 मीटर पर सेकेंड के आसपास रहती है, इसे नोट करें। वेलोसिटी ऑफ ड्रिफ्ट का फॉर्मूला नोट करें, और एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट भी है, दोनों एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बोर्ड के अंदर आए हुए हैं, मैं पहले बता दूं आपको, डेरिवेशंस आती हैं। ठीक है, आई बाई एन ए में एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो जब हमने स्टार्ट किया था ये टॉपिक अभी, उसमें ना कुछ पॉइंट लिखे हुए थे, ये देखो, ये रहे, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ था किसी भी मेटल के अंदर 10^28 पर मीटर क्यूब ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बहुत इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। रूम टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन जो है वो रैंडम मोशन में होता है, 10^5 मीटर पर सेकेंड से मूव करता है। एवरेज रिलैक्सेशन टाइम एक इलेक्ट्रॉन जब चलता है और टक्कर हो जाती है कितने समय में होती होगी, 10^-14 पर सेकेंड। मैं तो हैरान हूँ, चलता भी कि नहीं चलता, 10 एक सेकेंड कितना छूटा है, 10^-14 तो 13 जीरो लग जाएंगे इतने में, तो वो तो टक्कर ही खाता रहता है, मेरे को लगता चलता कम टक्कर ज़्यादा है, तभी तो वायर की बहुत हाई रेजिस्टेंस होती है, जितनी कोलिजन उतनी टक्कर, तो उतनी रेजिस्टेंस। नेक्स्ट है, रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डू नॉट कॉन्ट्रीब्यूट इन इलेक्ट्रिक करंट, और एवरेज रिलैक्सेशन टाइम इज कॉन्स्टेंट फॉर अ गिवन मटीरियल एट अ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। अगर तुमने टेम्परेचर बढ़ा दिया
तो बताओ एवरेज रिलैक्सेशन टाइम बढ़ेगा कि घटेगा? टेम्परेचर बढ़ा दिया तो टक्कर होने का टाइम बढ़ेगा कि घटेगा या सेम रहेगा? घटेगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल जाएगी, थर्मल हीट एनर्जी मिल जाएगी, उससे उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, तो वो तेज भागेगा, तेज भागेगा तो टक्कर जल्दी हो जाएगी, तो टाइम ऑफ कोलिजन घटेगा, फटाफट कोलिजन करता जाएगा। क्लियर है यहां तक? ठीक।